हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हिंदुस्तान पेपर न्यूज में एक न्यूज प्रकाशित की गई है जिसमें बिहार पुलिस की बहाली में फर्जीवाड़ों की शिकायत की गई है और कुछ सवाल उठाए गए हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट में कई आयोग के नाम शामिल करने का आरोप लगाया गया है और अभ्यर्थियों ने सीएम से इसकी जाँच कराने की मांग की गई है। उसके बाद दोस्तों, बिहार पुलिस की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आ रहा है। इससे केंद्रीय चयन पर्षद की चयन प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़ा हो गया है। चयन में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिले के कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के मामले की जांच कर नियुक्ति प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई है। सिपाही पद के लिए आयोजित परीक्षा में जिले में शामिल हुए कुछ स्टूडेंटों ने बताया है कि वे सभी बिहार पुलिस की सिपाही पद 9900 विज्ञापन संख्या 1/2017 भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए थे। इनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है और सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरिट लिस्ट में कई ऐसे परीक्षार्थियों का नाम भी शामिल है जिसमें के बदले दूसरे ने परीक्षा दिया है। अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट में आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में लड़कियों के लिए 38% आरक्षण है, पर मेरिट लिस्ट में 80% कर दिया गया है और सफल अभ्यर्थियों ने डीएम को आवेदन दे वस्तुस्थिति को अवगत कराया है।